डैग मारो दो दे हाँ देख सकते हैं वो धूप रहा है यो टोने ना हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है हम जा रहे हैं थोड़ा नहाने, तो मौसम जो है बहुत गर्म हो चुका है, तो अभी हम थोड़ा चिल करने जाएंगे, तो मैं आपको जगह दिखाऊंगा। चलो चलते हैं, तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। बारिश आ रही है तो असली का अभी अभी इतना भाई से धूप दे रहा था, अभी अभी बारिश आ गया। बारिश दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे रुक गए, देख सकते हैं बारिश कितना हिचे आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं गति भी इतना हिल रहा है और हवा भी साथ में बहुत हिचे आ रहा है। तो क्या ही बताओ, थोड़ा देर पहले इतना खराब धूप था और अभी ऐसा हो गया, बहुत फालतू लग रहा है। तो बारिश थोड़ा देर रुकते ही हम निकल पड़ेंगे अपने सफ़र पर। गाइस हमारा बारिश जो है अभी रुक चुका है, अभी हम निकलेंगे। तो गाइस आगे मौसम ने पूरा बेहाल कर दिया था, हमें रुका दिया बारिश गिर के, तो अभी रास्ता भी प्रेस हो गया, धूली भी हट गया, कोई अभी चिंता की बात नहीं है गाइस। अभी रास्ता प्रेस हो गया एकदम बढ़िया तरीका से। तो गाइस ये है करसिंग सा ब्लॉक पॉइंट के व्यू कुछ यहाँ से, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो, तो मैं थोड़ा खड़ा करके दिखा दिया था, पर भी यहाँ का पार देख सकते हैं आप। अभी अभी बारिश दिया और जगह एकदम फ्रेस है गाइस। तो गाइस अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी तक हम करसिंग सा ब्लॉक पॉइंट के डाउन पे है, देख सकते हैं यहाँ चेरी ब्लॉसम जैसा गच्ची है जो कि पिंक कलर का फूल है यहाँ पे, और यहाँ का असली नज़ारा देख सकते हैं आप। यहाँ से अभी नाला बह रहा है क्योंकि थोड़ा देर पहले बारिश दिया था, तो अभी तक यहाँ पे नाला बह रहा है, और इसी नाला का वजह से हमारा रोड जो है ख़राब होता है गाइस। तो रास्ता बनाने से पहले रोड बना लेना चाहिए गाइस, और रास्ता बनाने से पहले रोड बना, ये मैंने गलत बोल दिया गाइस, पहले रोड बनाने से पहले नाला बना लेना चाहिए। तो यही मैं सजेशन देना चाहता हूँ अपने इस वीडियो पे, तो आप यहाँ का रास्ता देख ही सकते हैं। आगे में ऐसा और भी बहुत है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको उधर ही दिखाऊंगा आगे में। तो सबसे पहले यहाँ से जा लूँ ये रास्ता में, क्योंकि बोलना कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ है। और यहाँ का नाला देखिएगा, ये नाला जो कुछ ऐसा है कि आप भी नहीं देख सकोगे। ये रास्ता सबसे भयानक है, एक साइड अच्छा है एक साइड खराब है, तो सबसे पहले एक साइड अच्छा रहा में जा लेते हैं। यहाँ का देखिए वहाँ कुछ काम चल रहा है, वहाँ से रोड यहाँ तक आएगा, तो देख सकते हैं आपने जो रोड अभी देखा नज़ारा, तो वहाँ तक वो रोड जाएगा। एक ब्रिज जो है वो ब्लॉक पॉइंट के ठीक नीचे एक नदी पे बांध रहा है, वो ब्रिज बाद में जब बड़ा होगा तभी मैं आपको वो ब्रिज को भी दिखाऊंगा, लेकिन वो ब्रिज बनने के लिए बहुत समय लेगा, इसलिए मैं थोड़ा समय तब तक ले, तो क्या पता मैं यूट्यूब ये वीडियो बनाना छोड़ सकता हूँ या फिर नहीं, तो बात का बाद में ही देखा जाएंगे, कब चाहे क्या हो जाए ना, किस्मत का पता नहीं है। तो लेट्स गो, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। तो गाइस द्विमुख रोड का एक फिर से आप नज़ारा ले सकते हैं हमारे वीडियो पे, और जिसने भी उस मेरा ये वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने गया था जोरम जीरो, तो आप उसको भी देख लीजिए, वहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी इसी रास्ते से गया था, पर इस रास्ते के हम आधा जाएंगे गाइस।
तो आधा वही आधा रास्ता पे है वो हमारा स्विमिंग पूल और नदी। तो चलते हैं जल्दी से। तो गाइस फिर से हम पहुंचे हैं ग्रीनबुक ब्रिज पे, एक नई ठेले का वाला ये, पर अभी इस बार जो है मौसम अच्छा है तो मैं आपको और भी अच्छा से नज़ारा दिखा पाऊंगा गाइस। तो यहाँ का नदी जो ये है जो अभी तक है रुका सूखा, इतना हो नहीं है कुछ खास, और इस साइड भी देख सकते हैं रुका सूखा। अभी जो है गाइस हम पहुंच चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है गाड़ी के। तो अभी जो है हम गेट के बाहर पे हैं और गेट के अंदर घुसते ही सब कुछ दिखाएंगे हम आपको, देखते रहिए। हम गेट के अंदर एंट्री करते हुए देख सकते हैं वहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे पहले ब्रिज नहीं था, अब ब्रिज बन चुका है गाइस। हमने अपना एंट्री पीस जो है दे चुका और ये है हमारा एक प्यारा सा नदी, देख सकते हैं। यहाँ पहले ब्रिज नहीं था और अब ब्रिज है, जमीन से जाते हैं देख सकते हैं हमारा। सही आपको तोता दिख रहा है ऊपर में, जो कि बहुत बड़ा है, ऊपर में तोता होना चाहिए था, अब यहाँ पे बहुत बड़ा है, ऊपर से बहुत बड़ा है। तो वहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था और यहाँ से हम आ जाएंगे। कौन सा सबसे ऊपर वाला में जाएगा क्या? ना सबसे ऊपर वाला में जाएगा क्या? हाँ गद्दा वाला जगह में जाना चाहिए, ऐसा बोलेगा। हे गाइस हम अपना नदी नाम रहे हैं, देख सकते हैं एकदम नेचुरल तरीका से ये नदी जो है। हाँ यहाँ में आए तो ठंडा हो गया, अपनी मछली पकड़ रहे हैं हम। ये भी ठीक ही था, स्लिप होने से गया है रे। स्लिप हो सकते हैं उंगली। Oh my God, guys, मेरा पैर जो है इतना अंदर डूब चुका है और यहाँ से गिर सकता है और मेरा मोबाइल गाड़ सीधा पानी में जाएगा। अरे यहाँ से कैसे पार बिजनेस करते हैं वो मालिक नहीं ना, वो जो बाहर आदमी जमीन रखते हैं ना, वो जमीन का मालिक है। यहाँ से नहीं है क्या रास्ते? यहाँ से क्या उड़ के उधर पाछा मार के पार कर वो सोता है ना, ये ऐसे कार से ये इधर से जाने से ठीक था ना। सुबह सुबह अभी तरफ पानी लेकिन वो है ना गंदा है।
यहाँ पे एक ब्रिज भी है। इसका ऊपर में एक गदार है ना, देखा था? नया नहीं है, सिर्फ देखा है अपने घर में। ये पत्थर इतना सिलुप सिलुप है ना, गिर सकते हैं। ये तो था ना। अभी हम नाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि समय इतना नहीं था, हमें ज्यादा ही गर्म लग रहा था, इंपोर्टेंट था। तो ये मेरा दोस्त जो है अभी डाइव मारना जा रहा है। लेट्स गो, डाइव मारो। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे नाने दिन को हमने बहुत ज़रा स्ट्रगल किया, पहले तो हमें बारिश ने रुकाया और हम आखिरकार पहुँच ही गए जहाँ हमें पहुँचना था। ये पानी दिन में ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हैं वो धूप रहा, देख सकते हैं गाइस, यो ज्यादा ही नीचे थे तो इसे भी देख पा। वाओ, इसे देख के मुझे भी जोश आ गया, मैं भी आना चाहता हूँ। तो ये गाइस देख सकते हैं नदी इतना भरा है, मैंने आपको देखा था ना नीचे से बहुत छोटा है, बल्कि अभी देख सकते हैं ऊपर से कितना भरा है ये। पूरा पानी याद नहीं ना। चलो 1 2 3 अभी तो तेरा बार जाओ यार, जल्दी जल्दी ना। ये है यहाँ पर, ये बॉडी पानी घेरा है, बॉडी भी देख सकते हैं। यो टोर्नेडो 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 आगे जो बड़े आसे मारो तो वाला बॉडी बॉडी वाला। चलो चलो कार्टून मारो ना Oh, come, everybody. Get out of the way. Go away, man.